दो वर्षों से सरकार सेना में भर्ती नहीं निकाल रही है। जो युवा फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, मेडिकल पास कर चुके हैं, उनका रिटेन इम्तिहान अभी तक नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेकर के दरभंगा ज़िला के युवा जो फ़ौज में जाने का सपना देखते हैं, जो फ़ौज की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने आज दरभंगा के लोहिया चक को जाम कर दिया, जिससे काफ़ी दिक्कत हुई साधारण लोगों को। एम्बुलेंस भी वहाँ से गुजर रहा था, थोड़ा सा देरी हुआ, काफ़ी सारे परेशानी होना पड़ा लोगों को। लेकिन युवा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाए सरकार, साथ में उम्र का भी 2 साल का छूट दिया जाए, जो कोरोना काल के वजह से फ़ौज में भर्तियां नहीं निकालेगी। आपको बताते चले, जब जाम की समस्या उत्पन्न हुई तो वहाँ पे यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन, साथ ही साथ लहरिया सराय थाना प्रभारी भी मौजूद थे। आपको एक बात और बताते चले, यहाँ पे एक जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बुज़ुर्ग आदमी है, वो कह रहे कि उनको इसी सड़क से जाना कहीं, लेकिन युवा अपनी मांगों को लेकर अड़िग थे, वो उन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया और उस बुज़ुर्ग के साथ बहस करने को, वो बहस भी हम सुनाएंगे आपको। लेकिन जिस तरीके से 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे भारत की बेरोज़गारी है, हर तरफ सरकारी नौकरियां ख़त्म होती जा रही है, प्राइवेट वैकेंसी भी काफ़ी हद तक कम हो गई, और बेरोज़गारी अपने नए स्तर पे हर रोज़ हर महीने हर साल एक नया आयाम छू रही है, सरकार को इस पे बड़ी गंभीरता से सोचनी चाहिए। क्योंकि जो 35 करोड़ युवाओं की ताकत से 2014 में वर्तमान सरकार आई थी, उन्हीं युवाओं के सपने को क्या सरकार कुचल रही है? क्या इसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं? आए दिन युवा सड़क पे उतर करके चक्का जाम करें, कभी रेलवे को, कभी चौराहे पे, कभी हाईवे को। क्या पूरा जो यहाँ पे जाम करने का मकसद था, लोगों के साथ क्या बातचीत हुई थी, उसे सुनाते हैं आप। ये मामला क्या के आर्मी के रेस मार के और मेडिकल क्लियर करके हम करीब 1.5 साल से बैठे हुए हैं और मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। बार बार रक्षा मंत्री द्वारा और देश के प्रधानमंत्री द्वारा एग्ज़ाम का डेट बार बार दिया जा रहा है और बार बार कैंसिल किया जा रहा है। हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? इसके लिए हम रक्षा मंत्री से चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरा आर्मी का एग्ज़ाम शुरू हो और उम्र में 2 साल की जो मांग चल रही है मेरे सबका, वो 2 साल में उम्र का छूट दो, इस आने वाले जितने मेरे साथी युवा है वो आर्मी का एग्जाम भर्ती देख सके। ठीक है, आप लोगों के साथ जो ये 2 साल के दौरान सर गोलियां मार देंगे तो करेक्टर ही नहीं रहेगा। सर हम लोग देश विरोधी को गोली मारेंगे, अपने देश को नहीं मारेंगे। हम लोग को आर्मी का भर्ती चाहिए सर, 2 साल से उम्र में छूट नहीं मिला है और 2 साल से आर्मी नहीं में एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग आर्मी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है और जिस ट्रैक पिलर का दौड़ता है उसी ट्रैक पिलर का सुसाइड करता है इसके कारण। इसका जवाब दे कौन है सर? मैं एक नई बात साथ अपने पानी को विराम देता हूं। मंत्री को आपने आवेदन किया जी? आवेदन आपने किसी बड़े मुख्यमंत्री को या किसी को आपने सौंपा? जी दिल्ली घेराव किए 5 अप्रैल, उसमें भी नहीं हुआ कुछ। जंतर मंतर उसमें भी नहीं हुआ, बाकी तो है ही हमारे। तो आप रक्षा मंत्री क्या बोले? आश्वासन दिए थे कि हो जाएगा, 25 दिन में आ जाएगा, नहीं आया नोटिफिकेशन। आप लोग यहाँ पर किस जगह पे आए? हरमा चौराहा। क्या कर रहे हैं? लहरिया सराय। क्या नाम हुआ आपका? रौनक सिंह। किसने लगाया है और क्यों लगाया है, कारण क्या? जानकारी मिली है? प्रथम दस्ता ये कहना है कि कुछ देर पहले थाना अध्यक्ष द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ और स्थानीय लोगों द्वारा नरेसर थाना क्षेत्र के हजवा चौराहा पर सड़क को जाम कर दिया गया है, जिसे यातायात पूरी तरह बाधित हो गई है। यहाँ आने पर
कोई मेमोरेंडम तो हमें अभी तक मिला नहीं है, लेकिन पूछताछ से ऐसा पता चला है कि इन लोग का मुख्य मुद्दा है कि दो सालों से जो आर्मी बहाली में नहीं हो रही है, तो हम लोग का ये लैप्स करता जा रहा है। COVID-19 के चलते भी दो साल बहाली नहीं हुआ, तो इसको भी उसमें इंक्लूड किया जाए, इस फैक्टर को बढ़ाया जाए लिमिट को और बहाली किया जाए। मुद्दा तो लेकिन अभी तक कोई मेमोरेंडम हमको मिला नहीं है, और इन लोग का ये डिमांड है कि SDO साहब और DSP साहब आए और वार्ता करें। तो आपने क्या हायर अथॉरिटी को? हमने बोल दिया, हमने DSP साहब से भी बात कर लिया है, थाना अध्यक्ष से भी बात करवा दिया है, और SDO साहब से बात किए, वो लोग अभी आज जो BPSC के एग्जाम हो रहा है उस सेंटर पर है, वहाँ आने के बाद ही हम लोग कुछ अगली कार्रवाई करते। लेकिन सर जो मुख्य चौराहा है वो जाम है, तो क्या सड़क रूट को भी डाइवर्ट किया गया है इसके कारण, क्या कि ताकि यातायात ये तो बताया कि बड़ा क्या नाम से आप लिखते हैं अपना? मेरा नाम है अभय पद दास, अंचल अधिकारी बहादुरपुर। थैंक यू।